सोचने वाली बात है कि एक टाइम पे जहाँ 7-8 घंटे लगते थे उस जगह पे, अब मैं देख रहा हूँ कि 3.5 घंटे में हम पहुँच रहे हैं। ये रहा ताजमहल। तो भाई अपनी कचौड़ी आ चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। चलो भाई आगरा चलते हैं। सैंडविच बना के लाई हो, बहुत सही। चलो चले, मम्मी बैठी है क्या? बाय बाय। बाय बोलो। बाय बाय बाय। गोलगप्पे लेके आना। हाँ गेट बंद कर ले ढंग से। प्रिया से डील करिए 1000 रुपए एक गोलगप्पे के, जितने गोलगप्पे हो मल्टीप्लाई बाय 1000। चलो भाई जोर से बोलो जय माता दी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। वैसे अभी दिन निकला तो नहीं है क्योंकि सुबह के 5:30 बजे हैं लगभग, और हम लोग जा रहे हैं आगरा। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं अचानक से, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। साथ में जा रहा है टीवी, मम्मी और रूरू। आप उठे हुए हो, आपको सोना नहीं है? सुबह सुबह उठ गया है, चुपचाप आंखें खोल के ताली बजा रहा दादी के साथ बैठ के। और यूं कह रही है 7 बजा रहा टीवी। अबे टीवी के साथ में तुम जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम कैसे जाओगे? आज चलो ठीक है, ज्यादा भाव मत खाया। इसलिए बोलते हैं गाड़ी चलाना सीख लो। ड्राइवर के बिना हमारी कार कहीं जा नहीं सकती ना, ये प्रॉब्लम है। मालिक के बिना ये प्रॉब्लम है बस। गाड़ी और मालिक दोनों के बिना नहीं जा सकते। अपने आपको मालिक समझते हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुम्हारी, तो फालतू नहीं बोलो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद, और हमें जो घर से हम चले थे तो हमें 3.5 घंटे दिखाए थे आगरा के। सो ये अब तक के सबसे कम टाइम है जो हमें मैप ने दिखाया है, एस्टिमेटेड टाइम, और सही में उसी हिसाब से चल रहा है भाई। क्योंकि हम जा रहे हैं, पहले हम आए गाजियाबाद, गाजियाबाद से अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। सो हाईवे से आ रहे हैं तो इतना टाइम तो नॉर्मल है, पर ये एक सोचने वाली बात है कि एक टाइम पर जहाँ 7-8 घंटे लगते थे उस जगह पर, अब मैं देख रहा हूँ कि 3.5 घंटे में हम पहुँच रहे हैं। मुझे भी दिखाया था बस से हम लगभग 7 घंटे में आते थे यहाँ पर आगरा से मेरठ। तो अभी हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये है हमारा पहला टोल टैक्स। पहले यहाँ फास्टैग काम नहीं करता था ना? पहले नहीं करता था, अब ये 2 लेन बना दिया फास्टैग की। जेवर प्लाजा वेलकम फास्टैग। चल गया, चलो सही है। नहीं तो पहले पता है कैसे ही देना पड़ता था, ये झंझट रहता था यहाँ पे। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा, अपने मथुरा, बट अभी हम जा रहे हैं आगरा मम्मी के वहाँ पे, ठीक है। सो आगरा चलते हैं, यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर और है, और बारिश होने के बाद पूरा क्या मस्त, बिल्कुल मस्त हो गया हरा हरा। सामने खेत देखो क्या मस्त लग रहे हैं। सो बहुत ही सही हवा चल रही है, ठंडी बेहतरीन मौसम हो गया। रास्ते में तो बारिश मिली थी, यहाँ बारिश अभी बंद हो गई है, पर बादल अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बारिश तो होगी। और आगरा में तो कल से ही बारिश हो रही है बता रहे थे, मामा बता रहे थे, तो वहाँ तो बारिश होगी होगी पक्की बात है। चलो चलते हैं, ठंडा मौसम हो गया मस्त। सुबह लगभग 4:30 बजे के जगे हुए हम, और अभी बज रहे हैं 7:30। सो चलो चलते हैं। मस्त हवा नहीं चल रही, ठंडी हवा चल रही एकदम, बारिश के बाद। वेलकम टू आगरा। आगरा निकल बारिश तो बंद हो गई, पर वो ये हल्की हल्की ड्रिजलिंग थोड़ी बहुत हो रही है, और अभी ट्रैफिक कुछ खास दिख तो रहा नहीं, क्योंकि वैसे भी अभी 8 ही बज रहे हैं, सुबह का टाइम है। सो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे तो बढ़िया, जहाँ हम जा रहे हैं।
सुबह पहुंचता हूँ फिर मैं बता दूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों आया हूँ एकदम से, हम सुबह एकदम से इतनी जल्दी क्यों निकले, क्या वजह थी। तो पहले पहुँचते फिर बताता हूँ। इस टाइम पे तो यमुना जी भी पूरे उफान पे चल रही है भाई साहब, बारिश की वजह से ना, नहीं तो सूखी पड़ी रहती है। हाँ ना, क्या मस्त पानी है यमुना जी में, पूरा फुल भरा हुआ है। नहीं तो नीचे वहाँ पे गाड़ी भी ले जाते तो उधर याद है जोरो लाल किला देख लो, लाल किला देखो ये रहा साइड में, ये पूरा लाल किला है पता तुमको, अकबर का किला। और उधर ताजमहल है उस साइड में जाके, जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी सी जब दिखाने चलेंगे तुमको, ठीक है। ओके, यहाँ से भी दिख जाता है वैसे थोड़ा सा, तो अभी तो पेड़ वेड़ ज्यादा हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ। आगे से दिखेगा पर थोड़ा हल्का सा दिखता, वो दिख रहा ये रहा ताजमहल। चल तो हम पहुंच चुके हैं यूपी 80 और हमारी गाड़ी भी चलेगी 80 और तुस्सी। पियेंगे लस्सी। गुड। तो भैया ये है हमारे कचौड़ी वाले देवी राम, ठीक है। तो सेवन ले रही है, चलो मैं भी चलता हूँ वहीं से ले लेता हूँ। तो भाई अपनी कचौड़ी आ चुकी है। सेवन कितने साल बाद खा रही है? चार पाँच साल बाद। सो ये जो है ये सुबह के 8-9 बजे तक यहाँ पे हिसाब किताब रहता है। आज तुम लगता है बारिश है इसलिए थोड़ा लेट भी है, नहीं तो बहुत जल्दी खत्म होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सुबह सुबह जो आएगा वही खा सकता है। मैंने जब लास्ट टाइम खाई थी तो मैंने 4 प्लेट खाए थे एक साथ। आज कितनी खाने वाली है? आज नहीं खाएगी, आज एक ही। बुढ़ापा आ गया, कम खाया। दो तो खाई लेगी। दो प्लेट खाई जाएगी, अभी एक खा ले। फिर जलेबी भी साथ में, पता है इसके साथ जलेबी मिलती है, मस्त सुबह सुबह मजा आ जाता है। पहले ये तो खा लू उसके बाद देखूंगा। ये लड़की 2 प्लेट खाने वाली थी, तीसरी प्लेट खा रही है अब। तो तुमने भी खाई ना? तो मैंने 2 है, तुम 3 खा रही हो, तुम 2 खाने वाली थी ना। तो मैं खा सकती हूँ, मैंने जलेबी ली है। मैं लास्ट टाइम 4 प्लेट खाए थे। लास्ट और खानी है एक और प्लेट, मिर्ची लगेगी बाद में पिछवाड़े में, काली मिर्च है इसमें। पर पता है ये ध्यान रखना है कि सुबह आना है, और सुबह ना ये जो सब्जी के साथ मिलती है, आलू की सब्जी इसके साथ मिलती है, बाद में मिलती है, पर बाद में मिलती है कचौड़ी। ये है बेड़े पूड़ी, ये बेड़े ही हैं, इसको बेड़े ही बोलते हैं, और ये आलू की सब्जी के साथ मिलती है, ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाद में तो फिर चटनी के साथ देते हैं, हरी चटनी लाल चटनी वो तो कहीं मिल जाती हैं। और ये है जलेबी गरम गरम, ये मम्मी को देता हूँ, मम्मी को खानी थी। मम्मी को बड़ी अच्छी लगी है मेरी, क्योंकि इसमें मिर्ची है, मिर्ची तीनों है, हरी लाल काली, चटपटी है ना। सो सुबह के 4:30 बजे के जगे हुए हैं और लगभग अभी 9 बज रहे हैं, तो सबको भूख तो लग रही थी, और सुबह सुबह यहाँ क्या मिलता तो मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं। तो एक नाश्ता जैसा हो चुका है, और सेवन का तो पूरा लंच डिनर सब हो चुका है। तीन चीज खाई ना, तीन प्लेट खाई है ना इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं जिस काम से हम आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। सुबह अभी हम आ चुके हैं भगवान टाकीज, ये बहुत ही फेमस चौराहा है। अभी तो जो है यहाँ पे इतना जाम लगता है, पहले बहुत जाम लगता था, आगे यहाँ पर काम चल रहा था, लगता तो बन गया होगा ये पुल। और हमें जाना है इधर, और यहाँ से अगर जाएंगे तो सीधा मथुरा रोड ही है, मथुरा जा सकते हैं यहाँ से सीधा। मचाओ अल्लाह मचाओ, जा, 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 जा। तो यही है भाई हॉस्पिटल जिसमें हमें जाना है, यही लगा दूं के अंदर अंदर यही खड़ी कर दूँ ना। तो अभी मैं आ चुका हूँ रूरू के पास, और मैंने अपने हाथ जो है सैनिटाइज कर लिए हैं, और सेवन अब चली गई है हॉस्पिटल। हम रूरू को अंदर नहीं लेके जा रहे क्योंकि यार वैसे भी वायरल वगैरह भी चल रहा है और कोरोना भी है, तो उस वजह से ये बाहर रहे तो ही बढ़िया है। तो एक जना इसके साथ है। सो अभी मैं आ चुका हूँ, सैनिटाइज कर लिए हाथ अच्छे से मैंने, उसके बाद ही मैंने इसको यहाँ पे लेटा दिया है ना मेरे बच्चे। सो अभी बात कर लेते हैं कि भैया हम यहाँ हॉस्पिटल क्या करने आए हैं और आगरा क्यों आए हैं। सो उसकी वजह यह है कि मतलब मेरे पापा के जो फूफा हैं, मतलब उनको मैं फूफा बोलता हूँ वैसे, तो मेरे पापा के जो फूफा हैं उनको जो है यहाँ आईसीयू में वो भर्ती हैं, और अभी जो है हम उनसे ही मिलने आए, उनको ही देखने आए थे। वैसे उनकी एज बाबा से कुछ ही साल छोटी होगी, तो उनकी एज तो काफ़ी है, क्योंकि जो पापा के फूफा हैं तो आप सोच सकते हो कि लगभग क्या एज होगी उनकी। सो
वो गांव में यहीं पे रहते थे, तो उनके दिमाग की कोई नस है वो फट गई थी ऐसा कुछ बताया। सो उस वजह से उनको जो है उनकी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गई और जो गला है वो भी पैरालाइज हो गया, तो वो ना तो कुछ बोल पा रहे ना कुछ स्वेलो कर पा रहे थे। जब कुछ स्वेलो नहीं कर पाएंगे तो कुछ खाएंगे तो वो गले से नीचे उतरेगा ही नहीं, तो निगल ही नहीं पाएंगे कुछ, तो उस वजह से फिर उनको बहुत कमजोरी आ गई और उनको खून की शायद आई थिंक कुछ या तो टॉयलेट में खून आया या फिर वॉमिटिंग कुछ ऐसा भी हुआ था। सो उस वजह से उनको जो है यहाँ पे अभी एडमिट कर दिया है। तो अभी तो हम गए थे तभी तो वो ये है कि वो पहले तो बेहोश थे बता रहे थे, पर अभी होश में, अभी उन्होंने आँख भी खोली, बात भी करी, उनके पर आवाज़ इतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही और हमको अभी मुझे लगता है अच्छे से पहचान भी नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि अभी बाकी पता नहीं वो सब उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है वो क्या कहना चाह रहे हैं, पर अभी पहले से बेटर हैं, पहले से थोड़े से ठीक लगे मुझे। बाकी देखते हैं यार अभी क्या होगा, और मतलब ये कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है। बहुत अजीब सा लगा मुझे हॉस्पिटल में आके, जब भी आता ना बहुत अजीब सा ऐसा लगता है, तो हम मतलब उसी वजह से हम यहाँ पे आए थे मतलब आगरा से यहाँ से उनको देखने के लिए। सो अभी उनको क्योंकि यार एक यही टाइम होता है, मतलब मेरा मानना यह है कि बहुत लोग जब जाते हैं जब आदमी खत्म हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ, जब खत्म हो जाता है जब जाते हैं, पर मेरा मानना है जब आदमी जिंदा है जब तुम उससे मिल सकते हो जब फायदा है, खत्म होने के बाद तो तुम जाओ ना जाओ वो कौन सा देख रहा है तुमको, ठीक है। सो ये कि यार पहले अपने जो जितने फैमिली से और उन लोगों से मिल लो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है, पता नहीं चलता किसके साथ कब क्या हो जाए। यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं बेचारे आईसीयू में, और भी बहुत सारे लोग मैंने देखे वहाँ पे आसपास, तो यार बहुत मतलब हॉस्पिटल में आके एक अलग सी वाइब आती है, एक ऐसी कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से दुखी है बहुत ज़्यादा, और अपना हमें ऐसा गम इतना लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पर हम कुछ भी नहीं यार, मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को, किसी को कुछ दिक्कत है बेचारे को, किसी को कुछ अचानक से कुछ हो गई, पैसों की दिक्कत अलग आ जाती है फिर फाइनेंशियली, क्योंकि भाई पैसा बहुत लगता है हॉस्पिटल में। तो अभी बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत देर में सिवन आएगी, देन उसके बाद फिर मैं शायद दोबारा जाऊँगा अंदर, फिर उसके बाद बुआ से भी अभी मिले हैं, बुआ से भी बात करेंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं फिर अभी थोड़ी बहुत देर, अभी तो हम यहीं रहेंगे, उसके बाद मुझे लगता है 2-4 घंटे बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, और बस अभी तो यही है बस। हाँ बेटा, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा के हाथ सैनिटाइज करा दें। और बेटा? नहीं अभी बस ऐसे थोड़ा बहुत अल्लाह चाटते फिर चुप हो गई, अच्छे से कर लेना। मम्मा आ गई, चलो तो 3 जगह से उसमें छेद हो गए नस में, तीन जगह थे, हाँ, तीन जगह तो फटी है वो। ओके, और कितने दिन तक मतलब ये चलता रहा, मतलब चलने मतलब फटने के बाद पता कब, 3-4 दिन तक पता नहीं चली? हाँ, दो दिन आता तो मैं ही थे, तो 2 दिन तक ये चल फिर रहे थे, मतलब तो भाई यही सही बात है कि दिमाग की नस अगर होगी तो बॉडी का पार्ट कैसे काम करेगा। तो भाई अभी हम जो है यहाँ से वापस निकल गए, बुआ से मिल लिए हैं और सबसे मिल लिए, और अभी मतलब बुआ अभी तो बुआ मतलब वैसे टेंशन में ही है बेचारी, वो परेशान है वो, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को होगी तो वो नहीं को होगी, क्योंकि भाई उनके पार्टनर हैं वो, है कि नहीं? सो वही वाली बात है, पर अभी हम यहाँ से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं अपने मेरठ के लिए वापस। बारिश हो रही है अभी भी, बारिश नॉन स्टॉप हुए जा रही है। सो जिस रूट से आए थे उसी रूट से जाएंगे, पहले हम सोच रहे थे सादाबाद होते हुए जाएंगे, पर वो ये फालतू में टाइम लगेगा और इसी से चले आते हैं, भले इसमें टोल टैक्स तो ज़्यादा लगेगा हमारा जिससे हम आए थे, पर इससे सही है जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम है जो हमने रह गए हमारे। मैं सिर्फ आया था सिर्फ फूफा के लिए, फूफा को देख लेते हैं, उसी वजह से आए थे हम, ये तो हमारा कोई आने का कोई पैसा कुछ था नहीं, ठीक है। हॉस्पिटल जाके ऐसा नहीं लगता कि हम दुनिया के एक दूसरी तरफ आए हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे एक अलग टाइप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम रहते हैं बहुत अलग, हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इन सब चीजों को देख लेते हैं, हर एक इंसान एक अलग टाइप की प्रॉब्लम लेके वहाँ बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी। चलो अभी चलते हैं, थोड़ा सा मूड को नॉर्मल करते हैं, कहीं चाय वाय पियेंगे, क्योंकि थोड़ा वही ना जो ज्यादा ऐसी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना। अभी हम यहाँ से जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप मिलता नहीं है तो डीएल डलवा लेते हैं इसमें, क्योंकि डीएल है नहीं इसमें, फिर कहीं फालतू में बंद हो जाए गाड़ी। तो भैया 44 लीटर डीजल आया है, 3,925 रुपये का, टंकी फुल हो गई, चलो चलते हैं। चलो भाई चाय पी लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे चाय क्या क्या है यहाँ पे, कुछ दिख तो रहा नहीं मुझे यहाँ पे, कोस्टे कॉफी है,
पे चाय मिलेगी? मुझे मम्मी को तो चाय पीनी है। पिज्जा हट है और भी है इसमें शायद, पिज्जा हट ही है इसमें तो, और कुछ दिख नहीं रहा मुझे। चलो भाई चाय पी लेते हैं यहाँ से, वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है वही पियेंगे। तो भैया चाय आ चुकी है अपनी और वहाँ बन रहे हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बन रहे हैं, पॉपकॉर्न खाने? हाँ हाँ वही पियो पियो चाय पियो। कैसी है? बढ़िया है ना, सही है, ऐसा मुँह क्यों ना रखा करती। तो भैया पॉपकॉर्न भी आ गए अपने, कुछ खाया नहीं था ना मतलब बहुत देर से, तो ये हमें भूख सी लग रही थी हल्की हल्की। क्या सुबह से वही खाए हैं तुम कचौड़ी? तुम तो तीन तीन प्लेट ठूस गई हैं, हम कुछ खाए भी नहीं अब। इस वजह से खाना मत पॉपकॉर्न एक भी। हाँ ऐसा मुँह बना रही है तो खाएगी नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं नोएडा और यहां से यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है। अभी हम शायद दूसरे हाईवे पर चढ़ेंगे और वो आई थिंक पेरीफेरल है, पेरीफेरल पर जाएंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। तो लगातार हम तीन हाईवे पर जाएंगे और ऊपर ऊपर ही रहेंगे, कोई सिटी में नहीं, कोई कहीं नहीं, ऊपर ही ऊपर। तो इसीलिए 3.5 घंटे लगते हैं सिर्फ। तो सुबह तो हम थोड़ा सा सिटी में गए भी थे, अब तो लगता है बार बार से जाएंगे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाँ उधर साइड में। ये क्या खतरनाक वाला पलटा है, केले केले हैं इसमें तो। सो फाइनली 1:40 पे हम मेरठ वापस आ गए, मतलब 5:20 पे हम यहाँ से निकले थे ना सेवन, 5:20 पे हम मेरठ से निकले थे और 1:40 पे मेरठ में एंट्री कर ली हमने। सही है, ज्यादा कुछ खास टाइम अब लगता नहीं है। टोल टैक्स लगते हैं बस बहुत सारे लगातार, पहले रोकड़ा लगता है, रोकड़ा पहले इसका लगता है ये दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे का, देन उसके बाद फिर दूसरा लगता है पेरिफेरल का, पेरिफेरल के बाद फिर यमुना एक्सप्रेसवे, तीन तीन लगते हैं और एक यमुना एक्सप्रेसवे तो खैर सबसे तंगड़ा ही है, उसको तो खैर ज्यादा हिसाब जाता है। चलो सही है, कोई नहीं टाइम बचता यार, मेन चीज है महंगे हिसाब है भैया, सही बात है। चलो भाई अब घर जाके थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि हम मैं लगभग 2-2.5 घंटे सोया हूँ और सिमरन शायद 1.5 घंटे सोई है ना। तो बस जाके सोएंगे थोड़ा सा, देन उसके बाद फिर तो आ नहीं रही है। मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही, सही कह रही है बात। तो अभी हम बहुत प्लानिंग करनी कर जाके, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे हम। अभी हम जो है मेरठ तो पहुंच गए थे, ये हमारे घर के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अभी नया खुला रेस्टोरेंट मीरास बिस्ट्रो 2.0, तो यहाँ पे हम खाना क्या मतलब हल्का सा ऐसे ट्राई मारने आए कि क्या है खाना, तो हमें खाना ही नहीं है। तो भैया खाना वाना खा लिया है, मेरे तो होंठ भी लाल हो गए हैं ये उसकी वजह से क्योंकि फूड कलर ज्यादा डाल दिया था उन्होंने चिली पनीर में। सो सेवन बताइए एक्सपीरियंस इसका कैसा था? कैसा था? बच्चों से डेकोरेशन के पैसे लिए जाते हैं ऐसा था इसका एक्सपीरियंस। मतलब खाना अच्छा है लेकिन ओवर प्राइज्ड है, इससे आधे प्राइस में आपको सदर में या कहीं भी खाने को मिल जाएगा साकेत वगैरह में। बस इसमें डेकोरेशन का पैसा और कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत फैंटेसाइज होके आते हैं कि इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा देयर इज नथिंग फैंसी, फूड कोई बहुत अमेजिंग नहीं है, कुछ खास नहीं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो। और सर्विस जीरो भाई, इतना डिले, हमने बोला इतनी देर में हम पूरा खाना वाना खा के आ सकते थे, इतनी देर में हमने एक नूडल्स खाया है और एक चिली पनीर जो कि आने में टाइम लगा, इतनी देर में पूरा खाना खा सकते थे। सो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है पहली बात तो। सो ठीक है, बच्चे बेचारे पैसे जोड़ जोड़ के जाते हैं कि 50 तू जोड़, 100 मैं जोड़ता हूँ, 200 वहाँ से ऐसे जाते हैं, या फिर दोस्तों को पार्टी भी देते ना तो घर से ले लेके जाते हैं कि हमें वहाँ पार्टी देनी है पैसे। तो ठीक है, पर हाँ बस वही है बाकी कुछ। चलो अभी घर चलते हैं, इतनी ज्यादा इससे ज्यादा बुरा नहीं करते किसी की, ठीक है, मतलब ठीक है जिसको अच्छा लग रहा है वो जाओ, हमें इतने ये सब चीज ज्यादा। लेकिन अच्छा अगर तुम पैसे देखो ना भैया, खूब आओ साइज के उसमें पैसे जाएंगे जो साइज के उसमें देखो तो वो वाला मीराज बिस्तर ज्यादा अच्छा है, वो वाला अच्छा है पहले वाला जो है। मम्मी कह रही खूब आओ तुम्हारे पैसे जाएंगे, हमारे थोड़ी जाएंगे। सही बात। चलो यहाँ से हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है जैसे मैंने बताया था, तो अभी बस घर आएंगे।
सो भैया अभी पहुंच चुके हैं घर। चलो इस वीडियो में खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। बहुत थक गए, अभी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि प्रिया की एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ ही है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करना है हमें, तो वो करते हैं। उसके बाद अब सोना तो सीधा रात में ही होगा, तो चलो बाय।